हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था शेयर कैपिटल। तो आज शेयर कैपिटल चैप्टर में एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 42 गवर्न करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया, हमने शेयर कैपिटल चैप्टर शुरू करा था, उसमें हम आज एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब हम प्राइवेटली कुछ लोगों को ऑफर देने वाले हैं। अब देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके लिए जो गवर्निंग सेक्शन है और गवर्निंग जो प्रोविज़न है, पहले वो देखिए। सेक्शन 42 हमारा गवर्निंग सेक्शन है। इसमें सेक्शन 42 हमारा गवर्निंग सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। प्लस इसके अलावा हम रूल नंबर 14 पढ़ेंगे। रूल नंबर 14 पढ़ेंगे, रूल नंबर 14 ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ रूल 2014। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ रूल्स 2014, ये गवर्निंग प्रोविज़न है हमारे जब हम इशू करना चाहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कुछ सिक्योरिटीज़। तो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या? तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट को ब्रीफली अगर मैं शुरुआत से बताऊं आपको, तो हमने पढ़ा है कि कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। चलो मैं ओपीसी को छोड़ देता हूं, बिकॉज ओपीसी एक काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है। तो हमारे पास कंपनी दो बचती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। दो कंपनी हमारे पास है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। अगर हम बात करें कंपनीज़ की, तो कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए मनी बोरो करती है, पैसा बोरो करती है पब्लिक से बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो कंपनी के पास कई रूट हैं सिक्योरिटी इशू करने के। उसमें से प्राइवेट कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी को अगर सिक्योरिटी इशू करनी है, प्राइवेट कंपनी को अगर सिक्योरिटीज़ अगर अपनी इशू करनी है, तो सिक्योरिटी में वो शेयर, डिबेंचर, कुछ भी इशू कर सकते हैं। और उनके पास जो रूट होगा सिक्योरिटी इशू करने का, वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। और अगर पब्लिक कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है दो रूट से, एक प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से और एक पब्लिक इशू के रूट से। अब देखिए ये क्या है, एक कंपनी बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम पैसा बोरो करती है बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी जो पैसा बोरो करेगी सिक्योरिटी इशू करके, वो बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। प्राइवेट कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है सिक्योरिटी इशू करने के लिए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट लाएगी, सिक्योरिटी इशू कर देगी। पब्लिक कंपनी के पास दो ऑप्शन है सिक्योरिटी इशू करने के, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है और दूसरा पब्लिक इशू भी ला सकती है। अगर हम बात करें इन दोनों ऑफर में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू, तो प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे, ऑफर दो तरह के होते हैं, एक वो ऑफर जो स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाता है और एक वो ऑफर जो जनरल पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया जाता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जहां बात करें, वो एक ऐसा ऑफर है जो स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक ऑफर कुछ गिने चुने लोगों को दिया जाता है। और अगर हम बात करें पब्लिक इशू एक जनरल ऑफर है। तो मतलब अगर हम बात करें पब्लिक इशू की, पब्लिक ऑफर की, तो पब्लिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ला सकती है। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर लाकर, पब्लिक इशू लाकर पब्लिक को इनवाइट कर सकती है सिक्योरिटीज़ के लिए। और पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है, जिसमें कुछ गिने चुने लोगों को पब्लिक कंपनी इनवाइट करेगी अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए। और यही प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट प्राइवेट कंपनी के पास भी है। मतलब चाहे कंपनी प्राइवेट हो चाहे कंपनी पब्लिक हो, दोनों कंपनीज क्या कर सकती है, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ गिने चुने लोगों को इनविटेशन देकर अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करवा सकती है। बट पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू भी ला सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, प्राइवेट कंपनी को क्यों मना करा गया पब्लिक इशू लाने के लिए? तो बेटा, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा, लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है ऑन नंबर ऑफ मेंबर टू 200। तीसरा बेटा, प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन होती है, प्रोहिबिशन है उसके ऊपर कि वो पब्लिक इशू, पब्लिक इन्विटेशन पब्लिक को नहीं दे सकती फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो प्राइवेट कंपनी को बाय डेफिनेशन लॉ मेकर ने प्रोहिबिट करा है पब्लिक इशू लाने के लिए।
वेयर एज पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाने के लिए अलाउड है, वो पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाकर अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को इशू कर सकती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक इशू नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो प्राइवेट प्लेसमेंट, और प्राइवेट प्लेसमेंट से कौन सिक्योरिटी इशू कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट प्राइवेट कंपनी भी फॉलो कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी फॉलो कर सकती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों ये रूट फॉलो कर सकती है, जिसमें कुछ गिने चुने लोगों को, कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ऑफर दिया जाएगा और वो स्पेसिफाइड लोगों के पास चॉइस होगी, वो ऑफर खरीद सकते हैं और उसके बाद कंपनी की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हेयर बाय डज नॉट मीन शेयर, सिर्फ यहाँ पर मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटीज़ को आप सिर्फ और सिर्फ शेयर तक सीमित मत कीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब शेयर से कहीं गुना ज़्यादा है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन वाइडर है काफ़ी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, जिसमें प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट्स हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों क्या कर सकती हैं, सिक्योरिटी इशू कर सकती है कुछ स्पेसिफाइड लोगों को। इसलिए इस ऑफर को नाम मैंने क्या दिया, स्पेसिफिक ऑफर, मतलब जिनको ऑफर दिया गया सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इंटीमेट कर देंगे कंपनी को अपनी एक्सेप्टेंस, और अगर नहीं करना चाहते एक्सेप्ट तो कंपनी को वो रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल कि हमें आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया हमने। तो और जो हम प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके गवर्निंग सेक्शन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42 है, प्लस हमें एक इसके साथ रूल नंबर 14 पढ़ना है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या, तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में ए कंपनी में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, बेटा दिस सेक्शन हेयर बाय मीन्स सेक्शन 42 कि एक कंपनी सेक्शन 42 को ध्यान में रखते हुए मे मेक ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी सेक्शन 42 को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं सिक्योरिटी का। और यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी ला सकती है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या दोनों, आंसर इज प्राइवेट कंपनी भी ला सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट से सिक्योरिटी, और पब्लिक कंपनी भी ला सकती है, दोनों कंपनी अलाउड है प्राइवेट प्लेसमेंट से सिक्योरिटी इशू करने के लिए। ये हमारा सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 कहता है। अब आती है बात किसकी, सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 की, जिसकी हेडिंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू हुम ऑफर कैन बी मेड। जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर होता है स्पेसिफिक ऑफर है, कुछ गिने चुने लोगों को दिया गया, पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया गया। वही पब्लिक इशू जो होता है, पब्लिक ऑफर जो होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को नहीं दिया गया, पब्लिक एट लार्ज में दिया गया, कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को ये ऑफर दिया जाता है, तो वो सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 बताता है दैट प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। बेटा अंडरलाइन करिए, ये जो ऑफर दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। अब कंपनी पहले ही ग्रुप डिसाइड कर लेते कि इन्हें हम ऑफर देंगे, कंपनी के पास पहले ही कुछ स्पेसिफाइड लोग आकर अपनी विलिंगनेस शो करते हैं कि आप हमें अलॉटमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी का, हम इंटरेस्टेड आपकी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए, तो कंपनी फिर उनके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है। तो मतलब कंपनी पहले से ही उन स्पेसिफाइड ग्रुप की, उन स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट तैयार कर लेती है जिनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर देने वाले हैं। सो प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड, ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ओनली टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, कंपनी उन ग्रुप का नाम पहले ही सेलेक्ट कर लेगी, हु हैव बिन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बेटा ये सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन आइडेंटिफाइड करेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट किन को, ये प्राइवेट प्लेसमेंट में जो ऑफर दिया जाएगा वो ऑफर किन लोगों को दिया जाएगा, तो कंपनी उसके लिए पहले ही लिस्ट ऑफ पर्सन क्या करती है, आइडेंटिफाइड कर लेती है और लिस्ट को बना लेती है कि इन लोगों को ऑफर दिया जाएगा, हेयर इन रेफर्ड एज ए आइडेंटिफाइड पर्सन। और उन पर्सन्स को जिनका नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आइडेंटिफाइड करा है उनको क्या बोला जाएगा, आइडेंटिफाइड पर्सन हुज नंबर शैल नॉट एक्सीड 50, जो मैक्सिमम कितने होंगे 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर जो मैक्सिमम नंबर कहीं और प्रिस्क्राइब्ड करे हो। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप ऑफर दोगे वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर पहली बात तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाएगा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर उन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाएगा जिनका नाम आइडेंटिफाइड करा है बोर्ड ने,
मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिनका नाम पहले से क्या कर रखा है, आइडेंटिफाइड कर रखा है, और उन पर्सन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन। और आगे बोला है हुज नंबर शैल नॉट एक्सीड 50, जो मैक्सिमम कितने होंगे 50। बट बेटा उसके बाद बोला है और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पर मैं रोक कर आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां पर भी कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कुछ क्लासेस में बताया था, ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013, ये आधा कॉरपोरेट लॉ हमारा सेक्शंस में लिखा हुआ है, आधा रूल्स में लिखा हुआ है। लॉ सिर्फ सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन एज वेल एज रूल्स में लिखा हुआ है। तो जहां पर भी सेक्शन में कुछ प्रोविजंस के बाद ये लिखा हो कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो सेक्शन हमें रेफर कर रहा है रूल्स में कि आप जाकर किसको पढ़िए, रूल्स को पढ़िए। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देंगे वो मैक्सिमम कितने लोगों को देंगे, 50। जो नंबर मैक्सिमम होंगे वो 50 होंगे, और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और हायर नंबर या फिर उससे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब्ड कर रखे हो। प्रिस्क्राइब्ड बेटा का जब भी प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा मतलब हम कहाँ रेफर करेंगे, रूल्स में। और मैंने आपको शुरुआत करते ही बताया था कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक एक तो सेक्शन 42 में पढ़ेंगे प्लस रूल नंबर 14 में पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। अब हम रूल देखते हैं बेटा, रूल हमें कितने लोगों को इनविटेशन देने के लिए अलाउड करते हैं, रूल नंबर आपका 14 आ गया। अभी एक्ट ने तो हमें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कितने लोगों को बोला है देने के लिए, एक्ट बोलता है सिर्फ 50 लोगों का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देंगे, बट रूल नंबर 14 सब रूल 2 बोलता है एन ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी, की जो भी आप ऑफर दे रहे हैं सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड टू ए पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200% इन एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। और रूल्स सेम टाइम पर बोल रहे हैं कि आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर देंगे वो इतने पर्सन को देंगे जो मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा नहीं होने चाहिए 200 में, मतलब एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को इनविटेशन दे सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट में। एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मैक्सिमम 200 लोगों को दे सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट, वो कौन सा चल रहा है, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2019 से 2020 तक चल रहा है, 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 2020 से 2021 का। तो हर फाइनेंशियल ईयर में, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर में आप कितने लोगों को इनविटेशन देंगे आप, तो मैक्सिमम 200 लोगों को आप ऑफर दे सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देने के लिए। देखो बेटा एक्ट ने क्या बोला 50, बट एक्ट ने साइमेंटेनियसली एक बात क्या बोली कि एक आप कितने लोगों को ऑफर देंगे, मैक्सिमम 50 लोगों को आप ऑफर देंगे, और सेम टाइम पर रूल्स क्या बोलते हैं सॉरी एक्ट ने बोला था कि आप मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 50% को देंगे और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर इससे ज़्यादा कहीं हायर प्रिस्क्राइब्ड हो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और एक्ट में हायर की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की गई है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को आप ऑफर देंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में। बेटा मैं आप इस चीज़ को यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा, ये 200% इन ए फाइनेंशियल ईयर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफर एक ही बार में देंगे, हो सकता है आप फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल टाइम्स ऑफर दें, हो सकता है आप एक फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल टाइम्स ऑफर दें। अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, रूल नंबर 14 सब रूल 2 हमें बोलता है जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया जाएगा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया जाएगा वो मैक्सिमम 200% को दिया जाएगा इन ए फाइनेंशियल ईयर। और ये 200% बोला गया हमें एग्रीगेट देखने हैं हमें, ये देखिए बेटा 200% के साथ लिखा हुआ है एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर, हमें कैसे चेक करने ये एग्रीगेट, इसका मतलब ये अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है वो 2019 एंड 2020 चल रहा है, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। अगर मैं बोलूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पहला ऑफर लेकर आई 5 जून को, कंपनी पहला ऑफर लाई 5 जून को,
और कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर निकाला और कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में सिर्फ 60 लोगों को ऑफर दिया कि आप क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी के सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंपनी फिर दोबारा क्या करती है, 10th अक्टूबर को फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है। 10th अक्टूबर को कंपनी फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाती है और इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में कंपनी इनविटेशन देती है 70 पर्सन्स को। इसके बाद कंपनी 20 दिसंबर को फिर एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेकर आई और यहाँ पर कंपनी ऑफर निकाल रही है 40 पर्सन्स के लिए। इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई ऑफर नहीं आया। तो यहाँ पर जो हमने ऑफर दिया है वो कितना ऑफर दिया, हमने एग्रीगेट करेंगे तो हमने 170 पर्सन्स को ऑफर दिया है। क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस। हमें एग्रीगेट करके देखना है, जरूरी नहीं है हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एक ही बार 200 लोगों को दें। हम मल्टीपल टाइम्स एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप मल्टीपल टाइम ऑफर दीजिए, बट कंडीशन ये है कि एग्रीगेट में पूरे साल आपका जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर हो वो 200 पर्सेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। तो हमने एग्रीगेट कर दिया और हमने चेक करा, एग्रीगेट हमारा 170 पर्सेंट आया और लॉ हमें कितना एग्रीगेट अलाउड कर रहा है, मैक्सिमम 200 पर्सेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ने हमें ये बोला कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जो आएगा वो मैक्सिमम 50 पर्सन्स के लिए आएगा और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर हायर नंबर जो क्या हो, प्रिस्क्राइब्ड हो। और जब भी मैंने बोला प्रिस्क्राइब्ड लिखाओ, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, हम कहाँ रेफर करेंगे, रूल्स में। रूल्स में आए तो रूल्स में बेटा रूल नंबर 14 सब रूल 2 बोलता है, वो जो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड था वहां पर लॉ मेकर ने लिखा है रूल नंबर 14 सब रूल 2 ने कि मैक्सिमम 200 पर्सन्स को इन ए फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट में आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम रूल्स फॉलो करेंगे, यस, क्योंकि एक्ट ने हमें खुद बोला था अगर हायर नंबर प्रिस्क्राइब्ड करे गए हैं तो आप हायर नंबर फॉलो कीजिए। तो एक्ट ने 50 बोला और रूल्स ने 200 पर्सन्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर बोला, हम तो रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके साथ बेटा रूल नंबर 14 सब रूल 1 देखिए क्या बोल रहा है, ए कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक नहीं लाएगी अनलेस द प्रपोजल हैज़ बिन प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाना है तो कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जिसका नाम है स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 75% शेयर होल्डर या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर की हमें कंसेंट रिक्वायर्ड होगी वैल्यू वाइज। तो कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाना चाहती है, वेदर इट इज़ ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इट हैज़ टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन ए जनरल मीटिंग। उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ये कौन बोलता है? रूल नंबर 14 सब रूल 1। और रूल नंबर 14 सब रूल 2 क्या बोल रहा था बेटा, कि हम जो ऑफर देंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर हो मैक्सिमम पर्सन्स 200 पर्सन्ट होंगे इन ए फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट। तो यहां तक हमने बेटा सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 पढ़ा। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले जो ऑफर हम देंगे वो ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट किन को देंगे, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देंगे, कुछ सेलेक्टेड जिनका नाम कंपनी पहले से सेलेक्ट कर लेगी। बेटा जब शादी होती है तो शादी में क्या होता है, सबसे पहले हम जिनको वेडिंग कार्ड देना होता है, वेडिंग इनविटेशन कार्ड देना होता है, उनके हम लिस्ट तैयार करते हैं जिन जिनको हम क्या करेंगे, वेडिंग इनविटेशन कार्ड देंगे। तो ऐसे ही कंपनी क्या कर रही है, जिन जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देना है उन सबका एक लिस्ट प्रिपेयर कर रही है। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं जिनको आइडेंटिफाइड पर्सन बोला जाएगा। बट ये बेटा जो 50 की लिमिट जो एक्ट ने दी थी और अब रूल्स ने 200 बोल दिए, उसमें कौन लोग काउंट होंगे, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी बींग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर ए स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42 इन ए फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये बोल रहा है बेटा वो 200 पर्सेंट में जो आप ऑफर दोगे उसमें दो लोग आप काउंट मत करना, एक तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ये मत काउंट करना, दूसरा एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी जिनको आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर दी, इन दोनों पर्सन को आप क्या मत करना, काउंट मत करना 200 पर्सेंट की लिमिट में।
ये बेटा आपका सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 होगा। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 ने पहला क्या बोला कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कितने लोगों को देंगे 50% को देंगे और सच हायर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और हायर नंबर रूल्स 14 सब रूल 2 में कितने प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं 200। रूल नंबर 14 सब रूल 1 बोलता था कि प्राइवेट प्लेसमेंट लाने के लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। अब आता है बेटा सेक्शन 42 सब सेक्शन 3। हम सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 पढ़ चुके हैं, सब सेक्शन 2 पढ़ चुके हैं, अब सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे। ए कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। अब कंपनी क्या करेगी, जिन भी लोगों को कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में इनविटेशन देना चाह रही है उनको एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देगी एंड एप्लीकेशन इन सच एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड टू आइडेंटिफाइड पर्सन। अब देखिए बेटा ये बोल रहे हैं जिनको भी आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन जो आप भेजेंगे, लेटर भेजेंगे इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जिस जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं उनके घर पर हम क्या भेजेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेजेंगे। वो कह रहा है ऑफर एप्लीकेशन कम लेटर वो किस किस फॉर्मेट में होगा, किस मैनर में जाएगा, तो एक्ट बोलता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब हम यहाँ पर भी क्या रेफर करेंगे रूल्स। हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और किनको दिया जाएगा, जिसका नाम और एड्रेस कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए जिनको हम आइडेंटिफाइड पर्सन बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रेनन्सिएशन। अब जिनको भी हमने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर दिया उनके पास बेटा कोई भी राइट ऑफ रेनन्सिएशन नहीं है, मतलब वो अपने राइट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपनी प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, आपको सिक्योरिटी नहीं बाय करनी, नहीं सब्सक्राइब करनी, तो क्या आप आगे इस ऑफर को ट्रांसफर कर सकते हैं, आंसर इज नो। प्रोवाइजो टू सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि जो भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला रहे हैं एंड एज वेल एज एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रेनन्सिएशन, उसमें हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी राइट नहीं दे रहे रेनन्सिएशन का, कोई हम राइट नहीं दे रहे आगे ट्रांसफर करने का। जिसको ऑफर दिया उसके पास चॉइस है, या तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या फिर उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे, बट वो ऑफर जो दिया जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, वो उसके लिए हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो भेजेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा इन सच फॉर्म एंड इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, तो उसका फॉर्मेट और मैनर हम कहाँ पढ़ेंगे, रूल्स में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 ने भी हमें कहाँ रेफर कर दिया बच्चों, रूल्स में रेफर कर दिया, और रूल नंबर 14 सब सेक्शन सब रूल 3 बता रहा है। तो रूल नंबर 14 सब रूल 3 किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 के साथ, और रूल नंबर 14 सब सेक्शन सब रूल 2 किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 के साथ। अब रूल नंबर 14 सब रूल 3 क्या बोलता है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो हम भेजेंगे शैल बी इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर PAS 4, मतलब जो फॉर्मेट होगा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट होगा वो PAS 4 है। PAS फॉर्मेट दिया है बेटा, PAS 4 में फॉर्मेट दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये PAS क्या है, तो बेटा PAS जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे उस रूल्स की शॉर्ट एब्रीविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी। जैसे आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, तो इस रूल्स में जितने भी हम फॉर्म पढ़ेंगे वो आएंगे PAS। पी स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टस, ए स्टैंड्स फॉर अलॉटमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। तो इस रूल में हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 14 सब रूल 3 में, कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो हम भेजेंगे सबको उसका फॉर्मेट PAS 4 होगा। सीरियली नंबर, उस पर बेटा नंबर होना चाहिए, एंड एड्रेस स्पेसिफिकली टू द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, और बेटा हम बाय नेम सबके घर पे क्या करेंगे इसको भेजेंगे। एंड शैल बी सेंड टू हिम आइदर इन राइटिंग, और भेजने का तरीका बेटा क्या है, या तो हम उसे राइटिंग में भेजेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम ईमेल कर देंगे। अभी कितने दिन में भेजेंगे बेटा, विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन पर्सन टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 42। तो कह रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर हमें 30 डेज में भेजना है। ये 30 डेज कहाँ से काउंट होंगे, तो जिस दिन हमने पर्सन का नाम रिकॉर्ड किया था, जिस दिन हमने उन आइडेंटिफाइड पर्सन का नाम अपनी लिस्ट में रिकॉर्ड किया था, कंपनी ने उन आइडेंटिफाइड पर्सन का नाम अपनी लिस्ट में रिकॉर्ड किया था, सबसे पहला काम ये किया था,
तो जैसे ही कंपनी नाम रिकॉर्ड कर देती है उन आइडेंटिफाइड पर्सन का, वहाँ से विद इन 30 डेज हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर PAS 4 में भेज देंगे, या तो भेजेंगे राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन पर्सन सो एड्रेस द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर शैल बी अलाउड टू अप्लाई थ्रू सच एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनी एप्लीकेशन नॉट कन्फर्मिंग टू दिस कंडीशन शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अब कह रहा है नो पर्सन अदर देन द पर्सन सो एड्रेस द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर शैल बी अप्लाइड थ्रू सच एप्लीकेशन फॉर्म। जिन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर दिए वही सिर्फ लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में एप्लीकेशन भेजकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा ये राइट ऑफ रेनन्सिएशन इसमें नहीं है, आप अपने राइट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो ये ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, वही स्पेसिफाइड लोग एक्सेप्ट करेंगे जिनको ये ऑफर दिया गया था। और बेटा आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म कम एप्लीकेशन लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर जो कंपनी भेजेगी उसका फॉर्मेट PAS 4 होगा। अगर आप इससे सिमिलर फॉर्म नहीं भेजते तो वो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी। तो ये आपका 42 सबसेक्शन 3 हो गया। तो 42 सबसेक्शन 3 ने ये बोला कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस मैनर में भेजना है, तो क्या बोला एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 14 सब रूल 3 पढ़ा। अब बेटा तीन एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा ऑफर है, एक ऐसी इन्विटेशन है जिसमें हम इन्विटेशन दे रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी को कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को। हम सबको इन्विटेशन नहीं दे रहे, हम कुछ सेलेक्टेड पर्सन को इन्विटेशन दे रहे हैं, और इन्विटेशन किसने दी है, बाय ए कंपनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। और इसके लिए हम क्या भेज रहे हैं घर पे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर विच सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, और जिसमें सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी एक्सप्लेनेशन में बताया गया बेटा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एज डिफाइंड इन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 की जगह बेटा 2018 हो चुकी है, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम मेड अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो कह रहा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होता है, तो कह रहा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वही है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी ने अपनी रेगुलेशन में बताया है, सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में जिसको बताया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, वही यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर माना जाएगा। और ये डेफिनेशन बेटा हम पढ़ेंगे जब हम कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में। एक्सप्लेनेशन 3, इफ़ ए कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड मेक्स एन ऑफर टू अलॉट और इन्वाइट सब्सक्रिप्शन और अलॉट्स और एंटर्स इंटू एन एग्रीमेंट टू अलॉट सिक्योरिटी टू मोर देन प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन्स वेदर द पेमेंट ऑफ फॉर सिक्योरिटी हैव बीन रिसीव्ड और नॉट और वेदर द कंपनी इंटेंड्स टू लिस्ट इट सिक्योरिटी और नॉट ऑन एनी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया सेम शैल बी डीम्ड टू बी ऑफर्ड टू पब्लिक एंड शैल अकॉर्डिंगली बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। करा अगर आपने कभी भी बेटा ऑफर, चाहे लिस्टेड कंपनी ने दिया चाहे अनलिस्टेड कंपनी ने दिया, कभी भी ऑफर आपने स्पेसिफाइड नंबर से ज़्यादा दिया, स्पेसिफाइड नंबर हमारे 200% थे एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर, उससे अगर ज़्यादा ऑफर हो जाएगा तो बेटा वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, वो पब्लिक ऑफर माना जाएगा। और जैसे ही पब्लिक ऑफर माना जाएगा, तो अभी हम जो प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, जो हमारा आपको बता दूं बेटा लॉ मेकर ने जो ये प्राइवेट प्ले ये जो आपका शेयर कैपिटल चैप्टर है 2 पार्ट्स में बनाया है, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट में और एक पब्लिक इशू के पार्ट में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 बात करता है पब्लिक इशू की। अगर आप इस लिमिट को कंप्लीट नहीं कर पाए तो ये ऑफर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, ऑफर आपका पब्लिक ऑफर माना जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप इस चैप्टर के पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली गवर्न होंगे। अभी हम जो गवर्न हो रहे हैं वो पार्ट 2 के अकॉर्डिंगली। देखिए लास्ट में लिखा है द सेम शैल बी डीम्ड टू बी ऑफर्ड टू पब्लिक एंड शैल अकॉर्डिंगली गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली गवर्न हो जाएंगे, अभी हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ये आपका बेटा सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 था। अब हम सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं।
एवरी एप्लीकेशन टू बी अकम्पनीड विद एप्लीकेशन फीस। अब हम जो भी क्या करेंगे, एवरी एप्लीकेशन टू बी अकम्पनीड विद एप्लीकेशन फीस, हमने जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर दिया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन लेटर जिनको भी रिसीव्ड हुआ है, वो एप्लीकेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन फीस भी देंगे। सो एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब टू प्राइवेट प्लेसमेंट, जिन भी आइडेंटिफाइड पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया गया है, शेल अप्लाई इन द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एप्लीकेशन इशू टू सच पर्सन अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन मनी पेड आइदर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल एंड नॉट बाय कैश। मतलब जो भी एप्लीकेशन फीस आएगी, वो एप्लीकेशन फीस के तीन मोड है बेटा। एक तो चेक मोड है, चेक से पेमेंट की जा सकती है। दूसरा डिमांड ड्राफ्ट के मोड से पेमेंट की जा सकती है। तीसरा ऑनलाइन मोड है, मतलब आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में एप्लीकेशन फ़ीस क्रेडिट कर सकते हैं। अच्छा, हार्ड कैश नहीं होना चाहिए। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 2,000 रुपये के गुलाबी नोट लगाए, कंपनी को भेज दिए, वो नहीं होना चाहिए। कैश मोड नहीं होना चाहिए, या तो चेक मोड होना चाहिए, या तो डिमांड ड्राफ्ट मोड होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन मोड होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस द अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 8। अब कह रहा है कंपनी के पास जब एप्लीकेशन फीस आ जाती है, कंपनी ने एप्लीकेशन लेटर सबको भेजे, सबने जिन जिन को ऑफर एक्सेप्ट करना था उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन भेजी, साथ में एप्लीकेशन फीस दी। अब एप्लीकेशन फीस जो आएगी कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगी, कंपनी का वो पैसा यूटिलाइज नहीं करना। यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी, कंपनी का वो पैसा यूटिलाइज नहीं करना। कब तक? जब तक कंपनी अलॉटमेंट ना कर दे, पहली बात। दूसरा, अलॉटमेंट की रिटर्न आरओसी को ना फाइल कर दे। बेटा दो बातें बोली गई है, जब तक आप अलॉटमेंट ना कर दो सिक्योरिटी की, दूसरा जब तक आप अलॉटमेंट की रिटर्न ना फाइल कर दो, जो हम सब सेक्शन 8 में पढ़ने वाले हैं, तब तक आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो उसी बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा। अब आता है सेक्शन 42 सब सेक्शन 5, नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड अनलेस द अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर और इन्विटेशन मेड अर्लियर हैव बीन कम्प्लीटेड और दैट ऑफर और इन्विटेशन हैज़ बीन विड्रॉन और अबेंडॉन्ड बाय द कंपनी। अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 कहता है नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी मेड, मतलब दोबारा कोई नया ऑफर, दोबारा कोई इन्विटेशन आप नहीं देंगे अनलेस द अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफर और इन्विटेशन मेड अर्लियर हैव बीन कम्प्लीटेड। कि जो आपका पहले वाला प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है, उसकी अलॉटमेंट तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, या फिर वो ऑफर और इनविटेशन को विड्रॉ कर लीजिए, या फिर अबेंडॉन्ड हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, पहला मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 5 जून को आया, तो सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर मेरा 10 अक्टूबर को तब भी आएगा, या तो पहले वाले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर को मैं अलॉटमेंट कर दूँ कंप्लीट, या फिर वो ऑफर मैं विड्रॉ कर दूँ, या फिर वो ऑफर मेरा अबेंडॉन्ड हो जाए। तो जब तक इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना हो जाए, तब तक आपका दोबारा से प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं आना चाहिए। Provided that subject to maximum number of identified person under subsection 2, a company may at any time make a more than one issue of security to such class of identified person as may be prescribed. क्या कंपनी, यहाँ बोला गया subject to maximum number of identified person, वो maximum number जो identified person है वो कितने है, 200 है। A company may at any time make more than one issue of security to such class of identified person as may be prescribed. मतलब आपने उन आइडेंटिफाइड पर्सन को इक्विटी शेयर का भी ऑफर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट में, डिबेंचर का भी ऑफर दिया, क्या हो सकता है? यस, आप एक ही प्राइवेट, आप क्या कर सकते हैं, एक कंपनी में एट एनी टाइम मेक मोर देन वन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी क्या कर सकती है, मोर देन वन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कंपनी एक से ज़्यादा ऑफर दे सकती है सिक्योरिटी इशू करने का टू सच क्लास ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन। जैसे मैंने बोला, एक इशू में, एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में हम इक्विटी शेयर का ऑफर कर रहे हैं 200% को, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में हम डिबेंचर इशू करने का ऑफर दे रहे हैं 200% को, ये अलाउड है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है कि जब हमने क्या करा, एप्लीकेशन लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर हमने भिजवाया सबके पास, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एप्लीकेशन लेटर बहुत पहुँच गया सब इन आइडेंटिफाइड पर्सन के पास, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस दे दी हमें। अब हम या तो उनका ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो अलॉटमेंट करेंगे सिक्योरिटी की। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 बात करता है वो अलॉटमेंट का पीरियड की, अलॉटमेंट कितने समय में होगी। ए कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इनविटेशन अंडर दिस सेक्शन, कह रहा है जो भी कंपनी इस सेक्शन में क्या कर रही है, ऑफर दे रही है, इनविटेशन दे रही है, शैल अलॉट इट सिक्योरिटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी फॉर सच सिक्योरिटी।
जिस दिन कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आई है वहां से 60 डेज के अंदर कंपनी का अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करना है, एंड इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू अलॉट द सिक्योरिटी विद इन दैट पीरियड, और अगर कंपनी उस 60 दिन के पीरियड में सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाई, इट शैल रीपे द एप्लीकेशन मनी टू सब्सक्राइबर्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। तो कह रहा कंपनी को अगले 60 दिन खत्म हो जाने के बाद, अगले अगर 60 दिन में कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाई, जिस दिन सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी के पास आई है, एप्लीकेशन फीस कंपनी के पास आई है, 60 दिन में अलॉटमेंट करनी है, 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो अगले 15 दिन में 60 डेज के बाद जो अगले 15 डेज होंगे उसमें रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस का। एंड इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन द अफोरसेड पीरियड, और अगर कंपनी उस 15 दिन के अंदर भी रिफंड नहीं कर पाए, इट शैल बी लाइबल टू रीपे दैट मनी विद द इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। तो कह रहा फिर कंपनी को अगले 15 दिन बाद जो रिफंड करेगी एप्लीकेशन मनी कंपनी, तो एप्लीकेशन मनी तो देगी ही देगी, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगी। और बेटा सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो इंटरेस्ट आपका 60th डे से पे हो रहा है। ये बात आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कंपनी को एप्लीकेशन फीस रिसीव्ड हुई, और हमने बेटा पढ़ा कि जिस दिन कंपनी के पास एप्लीकेशन फीस रिसीव्ड हो जाए, जिस दिन कंपनी के पास एप्लीकेशन फीस रिसीव्ड हो जाए उसके विद इन 60 डेज, बेटा ये 60 डेज यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो ये विद इन 60 डेज का पीरियड है। इस विद इन 60 डेज में कंपनी को क्या करना है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ करनी है। जिन जिनकी एप्लीकेशन मनी आई है और जिनका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, कंपनी उनको अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ करेगी। और अगर मान लीजिए कंपनी बेटा वो 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाती, अगर मैं बोलूँ इस 60 डेज में कंपनी फेल्स टू अलॉट, कंपनी इस 60 दिन में अलॉटमेंट में फेल हो गई, कंपनी इस 60 दिन में अलॉटमेंट करने में फेल हो गई, तो बेटा इस 60 डेज खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट जो 15 डेज आएंगे उस नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी को रिफंड करना है, और ये रिफंड होगा एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव्ड हुई है। पहले 60 दिन में हमें क्या करना है, अलॉटमेंट करनी है, अगर उन 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो अगले 15 दिन में रिफंड करना है। मान लीजिए कंपनी यहाँ तक भी रिफंड नहीं कर पाई, नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर कंपनी फेल हो गई रिफंड करने में, तो हम इसके बाद जो रिफंड करेंगे पीरियड में, इसके बाद जो पीरियड में रिफंड होगा बेटा, वो रिफंड तो होगा ही होगा एप्लीकेशन मनी का, बट यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन मनी के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमें। एक तो एप्लीकेशन मनी रिफंड होगी प्लस साथ में इंटरेस्ट दिया जाएगा एप्लीकेशन मनी के ऊपर, 12% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये इंटरेस्ट कहाँ से काउंट होगा, कायदे से यहाँ से काउंट होना चाहिए, बट लॉ मेकर कह रहा है इंटरेस्ट यही से काउंट होगा 60th डे से। तो ये इंटरेस्ट कहाँ से काउंट होगा, 60th डे से इंटरेस्ट काउंट होगा, ये हमारा इंटरेस्ट 60th डे से काउंट होगा। देखिए बेटा, जब हमने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, उस एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद विद इन 60 डेज में हमें अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करना था, अगर हम 60 डेज में फेल हो गए अलॉट करने में, तो नेक्स्ट 15 डेज में हमें रिफंड करना था एप्लीकेशन फीस का, वो भी हमने कर दिया, बट कुछ अगर रिफंड बच गए हैं अभी अगर कुछ रिफंड बच गए हैं तो अगले 15 दिन के बाद जो पीरियड आएगा बेटा उसमें रिफंड करेंगे, बट जो रिफंड करेंगे उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करते समय 12% पर एनम इंटरेस्ट भी देंगे उस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट। कायदे से ये 15 दिन का जो पीरियड था ये इंटरेस्ट फ्री पीरियड था, पहले आप इसमें इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे थे अगर रिफंड कर रहे थे, बट अगर आप इस पीरियड में अगर आप रिफंड नहीं कर पाते तो यही जो पीरियड आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड था वो इंटरेस्ट पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 60th डे से इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो इंटरेस्ट आपका 60th डे से काउंट होगा, ऑल दो आपका पहले वाला 15 दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड था। ये बेटा पर एनम का इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने डिफॉल्ट करने में 35 डेज लगाए हैं, तो 12% पर आपका पर एनम इंटरेस्ट 365 डेज का इंटरेस्ट है, आप 35 डेज का इंटरेस्ट निकालकर अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन मनी के साथ पे करेंगे। ये सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 बात करता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की, इसको आप बेटा नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट 60 डेज में हमें अलॉटमेंट करना है,
और अगर फर्स्ट 60 डेज़ में अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो 60 डेज़ के बाद हमें नेक्स्ट 15 डेज़ में रिफ़ंड करना है, और अगर नेक्स्ट 15 डेज़ में रिफ़ंड नहीं कर पाए तो उसके बाद जो रिफ़ंड होगा एप्लीकेशन मनी का वो विद इंटरेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात जो इंटरेस्ट जाएगा एप्लीकेशन मनी पे वो 75 डे से काउंट नहीं होगा, वो 60th डे से इंटरेस्ट काउंट होगा। दैट मीन्स जो 15 दिन का पीरियड हमारा इंटरेस्ट फ्री पीरियड था वो इंटरेस्ट पीरियड में कन्वर्ट हो चुका है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बेटा ये हमारा हो गया सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 जो बात करता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की, किस केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोवाइडेड दैट द मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी मनी आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेशन के अगेंस्ट मिली है अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए स्केड्यूल्ड बैंक। जो भी कंपनी के पास पैसा आएगा एप्लीकेशन मनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो कंपनी अपना जो करंट अकाउंट जो रनिंग है उसमें पैसा नहीं रखेगी, उसके लिए अलग से एक क्या करवाया जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा स्केड्यूल बैंक में, और उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्पज अदर देन, और उस पैसे को दो ही जगह यूटिलाइज करा जाएगा। पहला फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, पहला हम उस पैसे को एप्लीकेशन फीस को एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में अगर अलॉटमेंट हो गई तो। दूसरा उस एप्लीकेशन मनी को रीपे कर देंगे ऑफ द मनी वेयर द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट द सिक्योरिटी। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और कंपनी 60 दिन में अलॉट नहीं कर पाई, दोनों में से कोई भी केस है, तो आपको उसी अकाउंट से पैसा आपको रिफंड तौर पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में उस वो बैंक अकाउंट में जो पैसा दो पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, फर्स्ट पर्पज़ या तो अगर अलॉटमेंट हो गई तो वो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट अलॉटमेंट, दूसरा अगर आपको बेटा रिफंड हो रहा है तो उसी बैंक अकाउंट से रिफंड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जाकर जो पैसा बच जाएगा अलॉटमेंट के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगी अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल नहीं होगी तब तक हम उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करेंगे। सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 नो एडवर्टीजमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, नो कंपनी मेकिंग सिक्योरिटीज और इशूइंग सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट और यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एजेंट्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज अबाउट सच एन इशू। कंपनी बेटा किसी भी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं करेगी, कोई मीडिया मार्केटिंग यूज नहीं करेगी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं यूज करेगी पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक इशू नहीं है बेटा, ये तो स्पेसिफाइड लोगों को एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया गया, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी आपको मीडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज नहीं करना, क्योंकि जिनको आपको इनवाइट करना आप उनके घर पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन लेटर भेज चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, बेटा जब एप्लीकेशन सबकी एक्सेप्ट हो जाएगी और 60 डेज में अलॉटमेंट कर दी जाएगी तो अलॉटमेंट करने के बाद हमें ROC को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की, इन इन लोगों को हमने अलॉटमेंट की है सिक्योरिटीज की। सो ए कंपनी मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो भी कंपनी अलॉटमेंट कर रही है सिक्योरिटी का अंडर दिस सेक्शन शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। आपको रजिस्ट्रार को एक अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल करनी है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जिस दिन कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट करी है उसके 15 दिन में हमें एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी है, और वो इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसका मैनर क्या होगा, तो बेटा सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 ने नहीं बताया, उसका मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब हम किसको रेफर करेंगे, रूल्स को रेफर करेंगे, और रूल नंबर कौन सा 14। और बेटा जब हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे ROC को 15 दिन में अलॉटमेंट से, तो उसमें क्या बताएंगे, इंक्लूडिंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज, लिस्ट ऑफ अलॉटी देंगे, नाम देंगे अलॉटीज का विद देयर फुल नेम्स एंड एड्रेस, उनका प्रॉपर नाम होगा एड्रेस होगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, कितनी सिक्योरिटी उन्हें अलॉट हुई है, एंड सच अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है ठीक वो आप प्रिस्क्राइब्ड करके आप उस रिटर्न में फाइल कर देंगे ROC को। अब जैसे कि सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 ने कंप्लीट नहीं बताया, सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 ने क्या बताया कि जब हम अलॉटमेंट करेंगे सिक्योरिटी का तो उसके बाद एक रिटर्न फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, और रिटर्न जाएगी विद इन 15 डेज में, बट इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस मैनर में जाएगी, तो बोल रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो मतलब हम रेफर कहाँ करेंगे,
रूल्स को रेफर करेंगे। और रूल्स बेटा देखिए, रूल नंबर 14 सब रूल 6, रूल नंबर 14 सब रूल 6 बोलता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 42, जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, उसे आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी है विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म नंबर PAS 3। ये अलॉटमेंट की रिटर्न जो जाएगी वो PAS 3 में जाएगी 15 डेज के अंदर, और विद द फीस एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014। साथ में फीस जाएगी अलॉन्ग विद ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटीज कंटेनिंग, और साथ में प्रॉपर एक लिस्ट जाएगी अलॉटी की, जिसमें अलॉटी का पूरा नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी होगा उस सिक्योरिटी होल्डर का, क्लास ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड है उसके बारे में बताएंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ये बताएंगे, नंबर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, कितनी सिक्योरिटी वो होल्ड कर रहा है, हेल्ड है उसके पास पहले से, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, अमाउंट पेड अप कितना है उस सिक्योरिटी पे, एंड पर्टिकुलर ऑफ कॉन्सिडरेशन, और पर्टिकुलर्स बताए जाएंगे कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड इफ सब सिक्योरिटी वर इशूड फॉर ए कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश, अगर वो सिक्योरिटी अदर देन कैश पे अलॉटमेंट हुई थी। तो बेटा ये क्या हो गया, पर्टिकुलर्स हो गई, ये पर्टिकुलर्स, ये डिटेल्स हमें ROC को फाइल करनी है। कंपनी किसे फाइल करेगी, ROC को फाइल करेगी अलॉटमेंट से विद इन 15 डेज में, अलॉटमेंट से विद इन 15 डेज में रिटर्न जाएगी PAS 3 में जाएगी। अगेन PAS स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये रूल्स पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए जैसे सेक्शन ने बताया कि 15 दिन में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी, बट उसका मैनर क्या होगा, वो मैनर कंपनीज एक्ट ने बताया नहीं, मैनर के लिए किसको रेफर कर दिया, रूल्स को, रूल्स ने मैनर बता दिया बेटा कि वो फॉर्मेट जो होगा वो PAS 3 का होगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर्स बता दिए। अब सेक्शन 42 सब सेक्शन 9 बात करता है डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अगर आप सेक्शन 42 को डिफॉल्ट करते हैं, अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी, सो इफ ए कंपनी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, वो बेटा पीरियड कितना है, विद इन 15 डेज, 15 दिन में अगर आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी, अंडर सब सेक्शन 8 द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर एंड इट्स डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लाइबल टू पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे। तो बेटा 1000 पर डे का डिफॉल्ट है, 1000 पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी है, ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज, जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा, बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, जब तक, और मैक्सिमम वो जा सकती है जो पेनल्टी, वो कितनी जा सकती है, 25 लाख रुपये तक की जा सकती है। तो एक तो कंपनी, दूसरा कंपनी के प्रमोटर, तीसरा कंपनी का डायरेक्टर, शैल बी लाइबल टू पेनल्टी, इन तीनों के ऊपर पेनल्टी आएगी डिफॉल्ट की फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज पर डे का बेटा, ईच डे का इनके ऊपर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, और बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, जो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 25 लाख तक जा सकता है पर दिन का, 1000 पे अगर हम लगाते जाए पर डे का, जो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 25 लाख तक जा सकता है। ये सब सेक्शन 9 की पेनल्टी कब लगती है, जब आपने सब सेक्शन 8 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी। अब आता है सब सेक्शन 10, सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42। ये कहता है अगर आपने सेक्शन 42 के किसी भी सब सेक्शन को डिफॉल्ट करा, किसी भी सब सेक्शन को डिफॉल्ट करा, तो ये पेनल्टी है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 9 की पेनल्टी तब थी जब आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी सब सेक्शन 8 में, और सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 बोलता है हर केस में पेनल्टी लगेगी अगर आपने सेक्शन 42 कंप्लाई नहीं करा, तो सब सेक्शन 10 की पेनल्टी है। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 11, सब सेक्शन 11 को ध्यान में रखते हुए, इफ ए कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर एक कंपनी ने ऑफर दिया इस सेक्शन को डिफॉल्ट करते हुए, या फिर पैसा एक्सेप्ट करा इस सेक्शन को डिफॉल्ट करते हुए, एक तो कंपनी, एक कंपनी का प्रमोटर और एक डायरेक्टर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू अमाउंट रेस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जितना अमाउंट आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रेस करा, एक तो वो बेटा, और दूसरा 2 करोड़ रुपीज़, विच एवर इज लोअर, मतलब दोनों में से जो भी फिगर कमाएगी वो आपसे पेनल्टी के तौर पर ली जाएगी। एक तो मान लीजिए आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में आपने 1 करोड़ रुपए रेस करा आपने, और 2 करोड़ रुपीज़, विच एवर इज लोअर, आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। एंड द कंपनी शैल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड ऑल द मनीज, और जितना भी आपने क्या करा है, पैसा एक्सेप्ट करा है सेक्शन 42 को कॉन्ट्रावीन करते हुए, सारा पैसा रिफंड करिए विद इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 6 टू सब्सक्राइबर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी। जिस दिन आपके ऊपर सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 की पेनल्टी लगती है,
और पेनल्टी कितनी है, जितना आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर में आपने पैसा रेस करा उतना, और 2 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम फिगर आएगी वो आपके ऊपर पेनल्टी है, और जितना अमाउंट आपने एक्सेप्ट करा है एज एप्लीकेशन मनी वो सारा का सारा रिफंड करिए विद इन 30 डेज विद इंटरेस्ट। और कह रहा है इंटरेस्ट वही लगेगा जो सब सेक्शन 6 में पढ़ा था। सब सेक्शन 6 में हमने इंटरेस्ट कितना पढ़ा था, 12% पर एनम। सब सेक्शन 6 में हमने 12% पर एनम का इंटरेस्ट पढ़ा था जब हम अलॉटमेंट नहीं कर पाते 60 डेज में, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पर पे होगा। तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 210 क्या बोलता है, अगर हमने सेक्शन 42 के किसी भी सब सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करा और पैसा एक्सेप्ट करा कॉन्ट्रावीन करते हुए सेक्शन को, तो कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर लायबल होगा पेनल्टी पे करने के लिए। जितना अमाउंट आपने रेस करा है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, एक तो वो लगेगा आपके ऊपर पेनल्टी के तौर पर, दूसरा 2 करोड़ रुपए विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम आएगा। एंड इसके साथ साथ जितना पैसा आपने क्या करा है, रिसीव करा आपने, वो सारा का सारा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और विद इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा एट द रेट 12% पर एनम। ये आपका सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 11। तो 42 सब सेक्शन 10 बेटा पेनल्टी है सेक्शन 42 के किसी भी सब सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करने के लिए, और सेक्शन 42 सब सेक्शन 9 की पेनल्टी है जब आपने सेक्शन 42 सब सेक्शन 8 को कॉन्ट्रावीन करा। अब आते हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 11। प्राइवेट प्लेसमेंट डीम टू बी पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, पब्लिक इशू माना जाएगा अगर सब सेक्शन 2 आर नॉट कंप्लाइड विद। सब सेक्शन 2 क्या था, सब सेक्शन 2 बात करता था मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनको हम ऑफर देते हैं वो 200% एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर होते हैं। सब सेक्शन 11 कहता है अगर आपने सब सेक्शन 2 ना फॉलो करा, कंप्लाई करा, सब सेक्शन अगर आपने 2 कंप्लाई ना करा, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट आपका प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, पब्लिक ऑफर माना जाएगा, पब्लिक इशू माना जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सब सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 10। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये सेक्शन ओवरराइडिंग इफेक्ट लाता है किसके ऊपर, सब सेक्शन 9 और सब सेक्शन 10 में जो लिखा है उन दोनों के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है सब सेक्शन 11 का। और बोला कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट जो दिया है इशू नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, जिसमें आपने सब सेक्शन 2 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करा है, शैल बी डीम टू बी पब्लिक ऑफर, उसे क्या माना जाएगा, पब्लिक ऑफर माना जाएगा। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एक तो कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, एक SCRA एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 शैल बी एप्लीकेबल। तो अगर आपने सब सेक्शन 2 में जो 200% दिए गए थे मैक्सिमम, अगर आपने उससे ज़्यादा लोगों को ऑफर दे दिया, तो फिर वो ऑफर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, पब्लिक इशू माना जाएगा, पब्लिक ऑफर माना जाएगा, ये सब सेक्शन 11 कहता है। और जैसे ही पब्लिक ऑफर माना जाएगा तो आपको कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 भी कंप्लाई करना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये बेटा हमारा पूरा क्या हो गया, सेक्शन 42 हो गया। अब कुछ रूल्स बचे हैं, जैसे रूल नंबर 14 सब रूल 1 में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट लाने के लिए हम सबसे पहले अपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे शेयर होल्डर से। सेक्शन रूल 14 सब रूल 2 बोलता था कि प्राइवेट प्लेसमेंट जो आएगा मैक्सिमम 200% को एग्रीगेट दिया जाएगा इन ए फाइनेंशियल ईयर। रूल नंबर 14 सब रूल 3 बात करता था वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, तो हम फॉर्मेट PAS 3 में होगा। रूल नंबर 14 सब रूल 4 बोलता है कंपनी शैल मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इन PAS 5। बेटा जो जिन लोगों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर आप देते हैं वो PAS 4 में देते हैं, और PAS 4 में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किने देते हैं हम, आइडेंटिफाइड पर्सन को, किने देते हैं हम, आइडेंटिफाइड पर्सन को हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देते हैं। ये आइडेंटिफाइड पर्सन का कंप्लीट रिकॉर्ड किस में मेंटेन करा जाएगा, PAS 4 तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर था, PAS 5 बेटा क्या है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन है जिन लोगों को हमने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया, तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन जिनको हमने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया वो PAS 5 में है। यहाँ पर हमने इस सेक्शन में एक तो PAS 3 बात करी थी, PAS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, प्लस हमने PAS 4 पढ़ा, PAS 4 आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर है, और एक PAS 5 पढ़ा जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ पर्सन है जिनको हमने आइडेंटिफाइड पर्सन जिनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं।
अब आता है रूल नंबर 14 सब रूल 5, द पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन टू बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन सब्सक्राइबिंग टू सच कीप द रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर वेयर इट हैव बीन रिसीव्ड। जिस जिस बैंक अकाउंट से कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुए, कंपनी उन सारे बैंक अकाउंट का डिटेल मेंटेन करेगी। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए किसी को रिफंड अगर करना है तो बेटा उसी बैंक अकाउंट में जिससे पैसा हमारे पास एप्लीकेशन मनी के तौर पर आया उसी में हम क्या कर देंगे, रिफंड डाल देंगे। प्रोवाइडेड दैट मनी पेबल, जो भी आपने मनी क्या करी है, पेबल हुई है सब्सक्रिप्शन पे, टू सिक्योरिटी टू बी हेल्ड बाई जॉइंट होल्डर शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट इन द एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए जॉइंट एप्लीकेशन है, दो लोग मिलकर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो जिसका नाम एप्लीकेशन में सबसे पहले होगा, फर्स्ट होगा, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम मेंटेन करेंगे। अगर रिफंड की बात आएगी तो उसी बैंक अकाउंट में रिफंड होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये रूल कहाँ नहीं लगता, जहाँ पर आप बेटा आप अलॉटमेंट कर रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश में कर रहे हैं, जहाँ पर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं अदर देन कैश में। तो बेटा जब कैश में अलॉटमेंट नहीं हो रही तो काइंड्स मिलेंगी, तो बैंक अकाउंट मेंटेन करने की बात आती ही नहीं है। ये आपका रूल नंबर 14 सब रूल 5 था, लास्ट रूल फॉर द डे है बेटा, फिर उसके बाद हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 14 सब रूल 7, द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू। सब रूल 2 बेटा क्या था हमारा, सब रूल 2 था कि 200% को एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफर देना है, मतलब जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया जाएगा वो मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 200% एग्रीगेट दिया जाएगा। ये नहीं अप्लाई होता किसके ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जितनी भी है विच आर रजिस्टर्ड विद द RBI, जो RBI के पास रजिस्टर्ड है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब वो चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 200% से ज़्यादा भी दे सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच आर रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। दूसरा, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन दोनों को बोला आपके ऊपर सब रूल 2 अप्लाई नहीं होता, मैक्सिमम 200% की लिमिट वाला, मतलब इनका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एक साल में 200% से ज़्यादा हो सकते हैं। इफ़ दे आर कंप्लाइंग विद रेगुलेशन मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट कंडीशन क्या है, जब ये सब रूल 2 अप्लाई नहीं होगा इनके ऊपर तो इनको क्या करना पड़ेगा, NBFC को RBI की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ेगी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि क्योंकि सब रूल 2 तो इनके ऊपर अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो इनको बोला आप RBI की गाइडलाइंस और नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइंस को आप कंप्लाई करेंगे। तो ये बेटा कंप्लीट हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें हमने गवर्निंग प्रोविजन एक तो क्या पढ़े हैं, सेक्शन 42 कंप्लीट किए, इसमें गवर्निंग प्रोविजन एक तो हमने, और इसके अलावा हमने इसमें रूल नंबर 14 भी कंप्लीट किया है, जो है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।